हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह घूमने का शौक रखते हैं तो आपको पता ही होगा कि यार विदेश में घूमने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती ही पड़ती है भाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जहां जाने के लिए हम इंडियंस को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। जी हां, जहां आप एकदम मस्त तरीके से बिना वीजा के जा सकते हैं और मजे से घूम सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही 10 खूबसूरत देशों के बारे में, तो चलिए एक साथ चलते हैं इन देशों के सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला हाँ वही वाला बेल आइकन दबा दीजिए यार। डोमिनिका। दोस्तों, डोमिनिका एक ऐसा देश है जिसके बारे में शायद ही सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि इसका नाम ज्यादा सुर्खियों में नहीं बना रहता है। लेकिन हाँ, आज के समय में ये देश अपनी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। जहाँ पहले के समय में इस देश में ज्यादा लोग घूमने के लिए नहीं आते थे, वहीं अब भारतीयों को यहाँ पर बिना वीजा के एंट्री दे दी जाती है। और सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि दूर दूर से लोग इस देश की खूबसूरती को निहारने के लिए आते हैं। ये देश तब से ज्यादा फेमस हो गया है जब से हॉलीवुड मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया है। असल में इस फिल्म की शूटिंग डोमिनिका में हुई थी और इस फिल्म के बाद से ही यहाँ पर लोगों का आना जाना लगातार जारी है, वो भी भारी मात्रा में। डोमिनिका की खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं है यार। ये देश झीलों, नदियों, पहाड़, वादियों से भरा हुआ है और इस देश में जो भी जाता है वो इन झीलों और पहाड़ों की खूबसूरती में खो जाता है। अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ डोमिनिका जाना चाहते हैं और अपने पलों को यादगार बनाना चाहते हैं तो आपको इससे बेहतर कोई जगह नहीं मिलेगी। यहाँ के लोग भी काफी फ्रेंडली और खुले मिजाज के होते हैं और देश की आधी महिलाएं सेल्फ इंडिपेंडेंट होती है यार, जो खुद अपने लिए कुछ करने की सोच रखती हैं। और शायद यही वजह है कि ये देश दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। यहाँ पर इंडियंस आधे साल के लिए फ्री वीजा के साथ एंट्री ले सकते हैं और इस देश में भाई सुंदर नजारों का मजा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है इंडोनेशिया। अब बात करते हैं अगले देश की जहाँ भारतीय बिना वीजा के आराम से जा सकते हैं और वो है इंडोनेशिया। ये देश भारत के लिए हमेशा अपनी बाहें फैलाए रखता है कि आओ भाई स्वागत है। हालांकि ये मुस्लिम देश होने के बावजूद भी इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ कई हिंदू और बौद्ध मंदिर भी है भाई। यहाँ लोग अपने धर्म और कल्चर को अलग अलग रखते हैं और धर्म को अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। इंडोनेशिया में नोटों पर गणेश जी की मूर्ति छपी रहती है, सोचो, जो हिंदू कल्चर को बढ़ावा देती है। इंडोनेशिया में हिंदुओं का एक खास आइलैंड भी है जिसका नाम है बाली। इंडोनेशिया में आप करीबन 30 दिन तक बिना वीजा के रह सकते हैं और अगर आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं तो फिर तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप यहाँ खुलेआम सड़कों पर अपने पार्टनर को किस नहीं कर सकते हैं। जरा बच के रहना भाई, प्यार व्यार का ज्यादा इजहार मत करना, क्योंकि इस देश में ऐसा करना इलीगल माना जाता है। इंडोनेशिया वो देश है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा फूल देखने को मिलता है और इस एक फूल का वजन करीबन 7 किलोग्राम तक होता है। वैसे तो ये देश 18,000 के करीब द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन सिर्फ 6,000 द्वीपों पर ही लोगों का बसेरा है और जो बाकी के बचे हुए आइलैंड है ना, वहाँ सिर्फ हरियाली और पेड़ पौधे ही मौजूद है यार। जकार्ता देश की राजधानी शहर है जो काफी एडवांस शहर है। अगर आप बिना वीजा के कहीं बाहर घूमने की सोच रहे ना तो भाई इंडोनेशिया बहुत अच्छा ऑप्शन है यार, जाओ मजे करो। नेक्स्ट है इक्वाडोर। दोस्तों, इक्वाडोर भी एक ऐसा देश है जहाँ पर आप बिना वीजा के आसानी से छुट्टियां मनाने के लिए जा सकते हैं और अगर आप इक्वाडोर में रहना चाहते हैं तो आप बिना झिझक के बिना किसी वीजा के 3 महीने तक रह सकते हैं। इस देश में वैसे तो सभी धर्म के लोग रहते हैं और इसमें सबसे ज्यादा संख्या ईसाइयों की है। साउथ अमेरिका के इस खूबसूरत देश की राष्ट्रभाषा स्पेनिश है, लेकिन यहाँ 30 भाषाओं का बोलबाला है भाई साहब। और इस देश की खूबसूरती से तो आप बिल्कुल निराश नहीं होने वाले, क्योंकि यहाँ अलग अलग रंगों के घर बने हुए यार, जो इस देश की शोभा बढ़ाते हैं। सोचो, रंग बिरंगा पूरा देश है और साथ ही साथ ईसाइयों की संख्या ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर आपको एक से एक शानदार चर्च देखने को मिलेंगे। और यहाँ की खूबसूरती आपको पसंद आए ना, लेकिन यहाँ के मार्केट भाई आपका दिल लूट लेंगे यार, क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छा और यूनिक सामान देखने को मिलता है। इक्वाडोर की राजधानी क्योटो। इक्वाडोर का ये शहर लोगों को कितना भाता है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ 1.8 मिलियन लोग रहते हैं। नेपाल। हिमालय की गोद में बसा भारत का पड़ोसी देश नेपाल है भारतीयों को बिना वीजा के अपने देश में आने की इजाजत देता है। और तो और, इस देश में घूमने जाने के लिए भारतीयों को पासपोर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती है, बस कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके बाद तो नेपाल कहता है कि आ जाओ यार पड़ोसी, तुम भी क्या याद रखोगे। दोस्तों, जहां आप दूसरे देशों में जाने के लिए पहले वीजा बनवाएंगे और वीजा बनवाने में पैसे खर्च करेंगे, इतने पैसे में तो आप नेपाल जाकर अच्छे से शॉपिंग करके घूम के वापस भी आ सकते हैं। नेपाल वैसे तो छोटा सा देश है, लेकिन इसकी खूबसूरती के चलते हर कोई इस देश में जाना चाहता है, क्योंकि ये देश झीलों, नदियों और पहाड़ों से घिरा हुआ है यार, और यहाँ का वातावरण बहुत ही मजेदार है। नेपाल में ज्यादातर बौद्ध और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और इस देश का कल्चर बड़ा ही शानदार है यार। नेपाल की असली खूबसूरती तो इसकी धड़कन राजधानी शहर काठमांडू में बसी हुई है और लकड़ी की नक्काशी, अद्भुत मंदिर और हिमालय की घाटी के साथ सुहावना मौसम है, ये सब आपको काठमांडू में एक साथ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा दुनिया की 10 सबसे बड़ी पर्वत चोटियों में से 8 नेपाल में ही मौजूद है यार, और इन्हीं खास कारणों की वजह से नेपाल देश छोटा होने के बाद
बावजूद भी काफी पॉपुलर है और नेपाल की खूबसूरती को देखने बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं। और भारतीयों के लिए तो यहाँ आना एक सुनहरा मौका है क्योंकि यहाँ पर कम खर्च में ही आप छुट्टियाँ मजेदार मना सकते हैं। नेक्स्ट है मॉरिशस। अब बात करते हैं मॉरिशस की, जो इस लिस्ट का बहुत ही अहम हिस्सा है। दोस्तों ये देश हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है, जिसकी वजह है देश की बेमिसाल खूबसूरती। मॉरिशस अफ्रीका का पहला ऐसा देश है जहाँ पर हिंदू धर्म के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है और इसीलिए इसे मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कई सारे खूबसूरत मंदिर हैं जिसके दर्शन करने के लिए दुनिया भर से हिंदू धर्म को मानने वाले लोग आते हैं। और मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसके पास खुद की कोई आधिकारिक भाषा नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और अगर फ्रेंच की बात जो भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है तो वो है अंग्रेजी। पोर्ट लुइस देश की राजधानी शहर है और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। मॉरिशस खूबसूरती के मामले में तो सबसे आगे है ही, साथ ही साथ एजुकेशन के मामले में भी काफी आगे है। मॉरिशस में द्वीप है, झीलें हैं और खूबसूरत बीच तो है ही है यार, जहां आप अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ जा सकते हैं और अपने समय को खास बना सकते हैं। भारतीयों के लिए देश 60 दिन यानी कि 2 महीने फ्री वीजा छूट देता है, तो है ना मजेदार। कंबोडिया, एशिया का भाई बहुत ही खूबसूरत देश कंबोडिया भी आपको वीजा फ्री अपने यहाँ आने की परमिशन देता है। भारतीयों के लिए कंबोडिया एक बहुत ही खास देश है क्योंकि इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट स्थित है और ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। हर साल 25 लाख से अधिक लोग सिर्फ इस मंदिर को देखने कंबोडिया में आते हैं यार। और इसके अलावा कंबोडिया के समुद्र तट की खूबसूरती की वजह से यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। और इस देश में एक ऐसा द्वीप है जिसकी खाड़ी दिल के शेप में बनी हुई है। अक्सर इस जगह पर लोग अपनी लव लाइफ को और रोमांटिक बनाने के लिए आते हैं यार। चारों तरफ हरियाली और खूबसूरत नेचर के बीच बसा कंबोडिया में ज्यादातर बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। कंबोडिया में आप कैपिटल सिटी नोम पे घूमने जा सकते हैं, जहां कई म्यूजियम्स, अच्छे रेस्टोरेंट्स और पार्क मौजूद हैं। अगर आप भी कहीं अपने पार्टनर के साथ टाइम गुजारने के लिए जाना चाहते हैं तो भाई ये देश बहुत बढ़िया है यार। और भारतीयों के लिए तो ये देश यार सुनहरा मौका है क्योंकि यहां वीजा के बिना 60 दिनों तक मन भर के घूमो यार। नेक्स्ट है भूटान। दोस्तों भारत का पड़ोसी देश भूटान शांत और सुंदरता के लिए जाना जाता है और ये अपने भारतीय भाइयों के प्रति दरिया दिली के लिए भी सुर्खियों में बना रहता है। भूटान भी भारतीयों का बिना वीजा के ही स्वागत करता है और भूटान में ज्यादातर बौद्ध धर्म के लोग ही रहते हैं और इस देश में दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्तियों में से एक मौजूद है। अब भूटान भले ही एक अमीर देश ना हो, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल हैं और ये लोग अपने प्रकृति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। इस देश में एक अलग ही सुकून है भाई, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा मात्रा में हरियाली देखने को मिलती है और कुछ लोग तो यहाँ एडवेंचर के लिए ही आना पसंद करते हैं। और साथ ही साथ ये देश नहरों, झीलों और ठंडे इलाकों से भरा पड़ा है। हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट भूटान आते हैं और देश की सुंदरता को बस देखते रह जाते हैं। अगर आप भी एक भारतीय हैं तो भूटान घूमने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, बस बैग पैक करो और वैलिड डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाओ। नेक्स्ट है थाईलैंड। दक्षिण पूर्व एशिया का छोटा सा देश है थाईलैंड, जो टूरिज्म के मामले में बड़े बड़े देशों को टक्कर देता है और ये देश भारतीयों को बाहें फैलाए दिल से स्वागत करता है यार और बिना वीजा के अपने देश में आने की परमिशन देता है। थाईलैंड में घूमने की बहुत सी जगह है जहां एक बार इंसान चला जाए ना तो उसका दोबारा वहां से आने का मन ही नहीं करता है, जैसे मरीन पार्क, सफारी बीच और ऐसी बहुत सी जगह है जो लोगों के दिल को खुश कर देती है। और यही वजह है थाईलैंड में हर साल करीबन 7 लाख टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। इस देश का सबसे सुंदर नजारा है यहाँ का फुकेट, यस, और बैंकॉक की नाइट लाइफ तो भाई कमाल 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 है, बस यही कह सकता हूँ। एडवेंचर एक्टिविटी से लेकर फ्लोटिंग मार्केट में खरीदारी तक आप कुछ भी कर सकते हो थाईलैंड में, मजे तो है ही है। नेक्स्ट है फिजी। ओसेनिया में स्थित बहुत ही खूबसूरत देश है ये। 330 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना ये देश अपने समुद्री तट की खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। फिजी भी आकर ऐसा लगता है कि जैसे हम जन्नत में आ गए यार, क्योंकि यहाँ इतनी शांति है कि लगता ही नहीं कि भाई फिजी देश का दुनिया से कोई रिश्ता भी है। इसी खूबसूरती के चलते लाखों की संख्या में हर साल लोग इस देश में घूमने के लिए आते हैं। और मॉरिशस की तरह ही फिजी में भी भारतीय हिंदू लोगों की कमी नहीं है और विदेशी तो यहाँ आने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, लेकिन भारतीयों को बहुत छूट दी जाती है भाई और यहाँ आने के लिए भारतीयों को वीजा की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मालदीव्स, हर हनीमून कपल का सपनों का देश मालदीव्स। साउथ एशिया का सबसे छोटा देश है लेकिन फिर भी यहाँ पर भरपूर आबादी देखने को मिलती है। मालदीव्स में रहने के लिए इतना हिस्सा जमीन का मौजूद नहीं है जितना कि यहाँ पर पानी और समुद्र वाले इलाके मौजूद हैं। मालदीव्स की राजधानी माले है और ये एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। अब आपको जानकर हैरानी होगी, जहाँ दूसरे देशों में सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं, वहीं मालदीव्स की 100% आबादी मुस्लिम है और साथ ही साथ मालदीव्स में इंडियन का बिना वीजा के आना भी मुमकिन है। यहाँ पर आप बिना वीजा के 3 महीने तक रह सकते हैं यार, बस रहो, एंजॉय करो, हनीमून मनाओ और क्या। लेकिन हाँ, ये सुविधा पाने के लिए कम से कम 6 महीने पुराना पासपोर्ट होना जरूरी है, इतना तो बन जाएगा है ना। तो दोस्तों ये थे ऐसे 10 देश जहाँ पे आप बिना वीजा के घूमने के मजे ले सकते हो। और हाँ, आपको इनमें से कौन सा देश सबसे अच्छा लगा? वैसे क्या आप इनमें से किसी देश में जा चुके हो क्या? कमेंट करके बताओ यार कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत खुश रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सफर पर। बाय बाय।